जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों आसाम के ब्रह्मपुत्र नदी में भयंकर बाढ़ ने अपना कहर बरपा रखा है। देश के उत्तर पूर्वी राज्य आसाम का एक बड़ा हिस्सा इसकी बाढ़ की चपेट में है दोस्तों। इसी के बीच खबर आ रही है कि भारत सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर करीब 15 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने के प्रोजेक्ट को सैद्धांतिक तौर पर अपनी मंजूरी दे दी है दोस्तों। सब्सक्राइब के लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले सुरंग के नीचे चीन सीमा तक बिना बाधा आवाजाही हो पाएगी। असम के बीजेपी अध्यक्ष रंजीत कुमार दास ने एक ट्वीट में लिखा है कि ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे चार लेन वाली सुरंग के निर्माण के लिए केंद्र सरकार से सैद्धांतिक मंजूरी मिलना आसाम नॉर्थ ईस्ट और पूरे भारत की सुरक्षा और आवाजाही के लिहाज से एक ऐतिहासिक फैसला है। ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों के बड़े बड़े नेटवर्क से जो बाढ़ में पानी ने तबाही मचाई है, 20 जुलाई को आसाम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने समाचार एजेंसी NNI को बताया कि गुजरे कुछ दिनों में इस बाढ़ से कम 85 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 70 लोग इससे प्रभावित हुए हैं। इस बाढ़ से प्रभावित और मारे गए लोगों की संख्या COVID-19 के मुकाबले से कहीं ज़्यादा है, ये बात उन्होंने कहा। करीब 5,80,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैली है। इसकी गिनती दुनिया की 5 सबसे बड़ी नदियों में होती है दोस्तों और अपने मुख से 19,830 क्यूबिक मीटर प्रति सेकेंड वाटर डिस्चार्ज के साथ ये ब्रह्मपुत्र का नंबर अमेजन, कांगो और यथिंग्स के बाद आता है दोस्तों। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में थोड़ा आप लोगों को बता देते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी चीन में तिब्बत से निकलती है और ये भारत, भूटान और बांग्लादेश तक जाती है। तो बात करते हैं दोस्तों नदी के नीचे सुरंग के बारे में। इसी जमाने में अहोम साम्राज्य की रक्षक रही ये ब्रह्मपुत्र नदी आज भारतीय सेनाओं के योजनाकार के लिए चिंता की एक वजह बन रही है। इस नदी की वजह से आसाम का उत्तरी हिस्सा और अरुणाचल प्रदेश का पूरा उत्तरी हिस्सा चीन की सेना के खतरे में है। चीन ने 1962 की जंग के बाद इस पूरे इलाके में तेजी से अपनी पैठ मजबूत कर ली है दोस्तों। बात करते हैं इस नदी के नीचे सुरंग बनाने की वजह को दोस्तों। तो भारत के सिक्योरिटी सिस्टम को लगता है कि चीनी सेना के ब्रह्मपुत्र में बने 5 मौजूदा पुलों पर हमला करने की ताकत से अरुणाचल प्रदेश और आसाम के हिस्से बाकी के भारत से कट सकते हैं दोस्तों। और अब इस नदी के नीचे 14.85 किलोमीटर लंबी सुरंग दक्षिणी किनारे पर सुमालीगढ़ और उत्तरी किनारे पर गोहपुर को जोड़ेगी दोस्तों। ये नागरिक और सैन्य आवाजाही का विकल्प का रास्ता हो जाएगा। कुछ दिनों पहले अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने खबर दी थी कि भारतीय सेना ने सरकार से ब्रह्मपुत्र नदी पर सुरंग बनाने पर विचार करने के लिए कहा था, क्योंकि इस नदी पर बने हुए पुल दुश्मन देश की फौज का निशाना बन सकते हैं दोस्तों। और इंग्लिश न्यूज चैनल वियान की खबर के मुताबिक भारत ने चीन से सटी सीमा पर सड़कें बनाने पर होने वाले खर्च 2016 में 61.5 करोड़ डॉलर से बढ़ाकर 2020 में 1.6 अरब डॉलर तक कर दिया गया है दोस्तों। इस विषय पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या है इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। भारत सरकार इस घटना को दबाती नज़र आ रही है। किसी भी सरकारी अफसर ने सुरंग के मसले पर कोई भी बात नहीं कही है, साथ ही इस मामले पर चीन की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया या रिएक्शन नहीं आया है दोस्तों। भारत की राष्ट्रीय मीडिया इस मसले पर कवरेज की हुई है, लेकिन आसाम में इसे लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है दोस्तों। यह भाषा के एक प्रमुख दैनिक अखबार असोमिया 17 जुलाई के संपादकीय में आरोप लगाया है कि सरकार केवल अंडर वाटर टनल की चर्चा छोड़कर सुर्खियां बटोरना चाहती है, जबकि कई दूसरी बुनियादी क्षेत्र की परियोजनाएं वादा करने के बावजूद अभी तक जमीनी हकीकत में तब्दील नहीं हो पाई है। को लेकर कई सोशल मीडिया पर भी इसकी लोग जमकर खिल्ली उड़ा रहे हैं दोस्तों। एक फेसबुक यूजर ने लिख दिया है कि नदी के नीचे कोई सुरंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, पहले नदी के किनारों को मजबूत बनाइए ताकि बाढ़ से आसाम के लोगों को बचाया जा सके, ऐसा लोग टिप्पणी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर दोस्तों। वहीं इस सुरंग बनाने के बारे में हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है कि सुरंग बनाने के फैसले पर सरकार ने मार्च में ही मुहर लगा दी थी, जो कि चीन के साथ सीमा पर विवाद हुए तनातनी के माहौल से काफ़ी पहले की बात है। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और कमेंट में अपना राय जरूर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मीडिया व्यू न्यूज़ में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबा के उसका सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि और भी ऐसी जानकारी वाली वीडियो आपको मिलती रहे। सबसे पहले